नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल की स्थापना कैसे हुई, इसे किसने बसाया, इसका इतिहास, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000 ईस्वी में की थी। उनके राज्य की राजधानी धार थी, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। शहर का पूरा नाम भोजपाल था, जो कि भोज और पाल इन दोनों की संधि से बना था। परमार राजाओं के अस्त के बाद यह शहर कई बार लूटा गया। इसके बाद भोपाल शहर की स्थापना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब दोस्त मोहम्मद दिल्ली से जा रहा था, तब उसकी मुलाकात गौंड रानी कमलापति से हुई, जिसने दोस्त मोहम्मद से मदद मांगी थी। हुआ यह था कि भोपाल में चैन शाह के षड्यंत्रों से बचने के लिए विधवा रानी कमलापति और उसका एकमात्र पुत्र नवल शाह गिन्नौरगढ़ के किले में छुपे हुए थे। कमलापति ने अपने पति के हत्यारों से बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद से सौदा किया। दोस्त मोहम्मद ने कमलापति की मदद की और उनके लिए युद्ध लड़ा और युद्ध जीता। शर्त के अनुसार कमलापति ने 50,000 रुपये दोस्त मोहम्मद को नकद दिए और बाकी पैसों के लिए उन्होंने उसे भोपाल रियासत दे दी। उस समय भोपाल रियासत कोई बड़ी रियासत नहीं थी, बल्कि छोटी ही थी। उसे 1723 से 1724 में दोस्त मोहम्मद ने ही बढ़ाया और सीहोर, अष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीतकर इसे बड़ा किया और इसकी स्थापना की। 1728 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके बेटे यार मोहम्मद यहाँ का पहला नवाब बना। 1818 में जब नजर मोहम्मद भोपाल का नवाब था, तब उस समय एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह भारतीय ब्रिटिश राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रही। 1819 में ही बेगम कुदसिया ने भोपाल का शासन संभाला और वे भोपाल की शासिका बनी। उन्हें गोहर महल के नाम से भी जाना जाता है। कुदसिया ने अपने शासनकाल में कोई युद्ध नहीं लड़ा। उनके शासनकाल में भोपाल की सीमाएँ शांत रहीं और ना कोई दुश्मन आया और ना ही कोई दुश्मन बाहर गया। 1819 से 1837 तक बेगम कुदसिया ने भोपाल में राज किया। उन्हें वास्तुकला से प्रेम था। उन्होंने कई इमारतों का निर्माण करवाया। 1820 में उन्होंने गोहर महल बनवाया। यह महल भोपाल का पहला महल था। उनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। बेगम कुदसिया के इंतकाल के बाद उनकी बेटी सिकंदर जहां ने भोपाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने 21 साल के शासनकाल में सिकंदर जहां ने माँ की वास्तुकला को विस्तार दिया। उस समय पूरा देश अंग्रेजों का विरोधी था, लेकिन सिकंदर जहां ने अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया और उन्होंने कहा कि वे केवल इसलिए अंग्रेजों का साथ दे रही हैं ताकि वे अंग्रेजों को भोपाल से बाहर रख सकें। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने पूरे देश में दोहरी नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी थी, उस समय सिकंदर जहां भी अंग्रेजों के विरोध में हो गईं। तब सिकंदर जहां ने अंग्रेज जर्नल को चिट्ठी लिखी। इसके बाद भोपाल ही ऐसी पहली रियासत थी जिसे दोहरी नियंत्रण प्रणाली से छुटकारा मिल गया था। 1847 से 1868 तक सिकंदर जहां ने भोपाल पर शासन किया। उसके बाद उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने गद्दी संभाली। उन्होंने भोपाल का दूसरा ताजमहल बनवाया, जिसे बनने में 13 साल का समय लगा था और ये बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही दिखता था। उन्होंने 1861 से 1901 तक भोपाल पर शासन किया और अपने पुरखों की वास्तुकला को ही आगे बढ़ाया। इसके बाद भोपाल की अंतिम महिला शासिका शाहजहां की बेटी सुल्तान जहां बनी। इनके इश्क के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा खास नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें कुछ पहचान मिली हो, लेकिन हाँ, इन्होंने हमीदुल्ला खान से काफ़ी करीब निभाई और वे मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त थे। हमीदुल्ला खान के साथ ही मिलकर इन्होंने भोपाल रियासत का कार्यभार संभाला और 16 अप्रैल 1916 को हमीदुल्ला खान को भोपाल का चीफ सेक्रेटरी घोषित कर दिया। उन्होंने 16 मई 1926 को भोपाल का शासक भी हमीदुल्ला खान को बना दिया और इस प्रकार भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान बन गए। 1930 में बेगम का निधन हो गया और
तुल्ला खान के हाथों में सारी रियासत आ गई और उन्होंने इसे अपने हाथों में ले लिया। हमीदुल्ला खान दो बार 1937 से और 1944 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने। भारत के विभाजन के समय वे चांसलर ही थे, लेकिन वे रजवाड़ों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इसलिए 1947 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नवाब हमीदुल्ला खान पाकिस्तान जाना चाहते थे। 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बनने को कहा, किंतु आबिदा ने इनकार कर दिया और 1948 में हमीदुल्ला ने भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा की। 1 मई 1948 में भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल तक उन्होंने गठित कर दिया था, जहां के प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय बनाए गए। तब तक विलीनीकरण के लिए विद्रोह होने लगे थे, अब चतुर नारायण भी विलीनीकरण के पक्ष में हो गए। आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया। 1948 में अक्टूबर में नवाब पाकिस्तान जा चुके थे। 1948 में ही दिसंबर में भोपाल में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 8 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इसी समय सरदार पटेल ने सख्त रवैया अपनाकर नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसे मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। हमीदुल्ला खान ने खूब कोशिश की कि इसे पाकिस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन वह अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो सका। आज़ादी के 2 साल बाद तक भोपाल भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र था। भोपाल रियासत का भारत में विलय सबसे आखिर में हुआ। 1949 से पहले तक भोपाल में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, बल्कि काला, सफ़ेद और हरा झंडा फहराया जाता था। 1949 में इसे भारत में मिलाया गया। सोचिए, यदि वो विद्रोह ना होते और इसे भारत में ना मिलाया जाता, तो आज भारत का नक्शा इतना सुंदर नहीं लगता जैसा कि आज लगता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस कांड हुआ, जो कि इतना भयानक था कि पूरी दुनिया का ध्यान इसने अपनी तरफ खींच लिया। इसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसका असर आज भी लोगों को देखने पर मिलता है। यह इतना भयंकर था कि इसने पूरे भोपाल में तबाही मचा दी थी। भोपाल को झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जिसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, जिनमें बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, मोती मस्जिद जिसे सिकंदर जहां ने 1860 में बनवाया था, ताज उल मस्जिद जो कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है, शौकत महल जो शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, सदर मंजिल संग्रहालय जहां संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है, गौहर महल, पुरातात्विक संग्रहालय, म्यूजियम, पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भीमबेटका, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, पूर्व का सोमनाथ आदि ऐसी कई जगह हैं जहां लोग घूमने के लिए आते हैं और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह आज भी इसकी रियासत नवाबों में विवादित बनी हुई है। उनके वंशज आज भी हैं जिनमें आज तक इस रियासत का बंटवारा नहीं हो पाया है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान उन्हीं के वंशजों में से एक हैं, जिनके बीच आज भी इस रियासत को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, मुकदमे चलते हैं। तो यह थी कहानी भोपाल की। धन्यवाद। आज़ादी के 2 साल बाद